नमस्कार दोस्तों, आप हैं स्टेप हेड के यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है विनय। आज हम बात करेंगे कैसे यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की जो है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की बॉडी के साथ काम करने का मौका, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसमें आप यंग प्रोफेशनल की पोजीशन है, 70,000 पर मंथ का आपका स्टाइपेंड है। चेक कर लेते हैं इसके बारे में क्विक फैक्ट्स। क्वालिफिकेशन आपको तीन पोजीशन है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट, बीटेक, एनईपीजी, एमबीए, इस तरह चाहिए। 1 ईयर का ड्यूरेशन है, 32 ईयर एज लिमिट है, बिलो 32 ईयर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 70,000, पर आपको 29 जुलाई तक अप्लाई करना है। सो लिटिल क्विक अपडेट समझते हैं कि इस फेलोशिप के बारे में डिटेल। उससे पहले आपको मैं बता दूं, स्टेप एड एक वॉलेंट्री प्लेटफॉर्म है जो आपको सपोर्ट करता है फॉर योर फेलोशिप्स एंड फॉर योर सोशल सेक्टर जॉब्स। आप हमें, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी इस क्यूआर कोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय। यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल सपोर्ट यू। कमिंग टू द डिटेल एडवर्टीजमेंट, सो NMDFC, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये 1994 की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कॉरपोरेशन है एक्चुअली। तो इसमें क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड सेक्शन है, उनकी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, उनको लोन प्रोवाइड करवाना, उनके लिए बेनिफिट वेंचर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना, राइट। अब इन्होंने जो प्रोग्राम निकाला है वो निकाला है ऐसे यंग प्रोफेशनल्स के लिए, टू गिव देम द एक्सपोजर ऑफ इट्स फंक्शनिंग, कहाँ कहाँ पे होता है। सो इनके तीन रोल हैं बेसिकली, वन फॉर फाइनेंस, वन फॉर IT एंड वन फॉर CSR। CSR में भी पब्लिक हेल्थ, राइट। सो पोजीशन का नाम है यंग प्रोफेशनल, एज लिमिट 32 ईयर्स, एक साल के लिए 70,000 TDS कट के मिलेगा। फाइनेंस वाले के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप फाइनेंस वाले यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको चाहिए फाइनेंस में, आइदर MBA इन फाइनेंस, एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट। 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। IT के लिए BTech आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, मास्टर्स डिग्री हो, MTech, MCA, MSc, IT, CS, कंप्यूटर साइंस में, UGC के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड। CSR वर्टिकल की जो पब्लिक हेल्थ के लिए चाहिए ना, वो PG इन पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट विद 55% मार्क, ठीक है, उसमें आपका PG होना चाहिए। कमिंग टू द डाउनसाइड फॉर द एक्सपीरियंस, आपको फाइनेंस वाले में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए फील्ड ऑफ फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपको IT वाले में 1 ईयर का एक्सपीरियंस एनालिसिस डिजाइन डेटा का, ERP, IMS, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल, और CSR में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ का, एजुकेशन का, न्यूट्रिशन का, गांधी फेलोशिप, आपने टाटा का फेलोशिप कहो या दूसरा फेलोशिप जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन इन सब में काम किया हो, तो वो आपका एक साल का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सबके लिए PhD अगर आपका है तो बेस्ट है, कुछ पब्लिकेशंस हुए हैं तो भी बेस्ट है, आप इसमें डिजायरेबल है, नॉट मैंडेटरी। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, शॉर्टलिस्टेड करेंगे ये लोग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी जब आप एप्लीकेशन सेंड करोगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और डिसीजन जो भी सिलेक्शन कमेटी का होगा फाइनल होगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से NMDFC रिजर्व करता है कि कौन सा शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया अपनाया जाए। ऑल्सो पीरियड 1 ईयर है, ठीक है, तो जैसा मैंने बोला शॉर्टलिस्टिंग के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, टर्मिनेशन भी हो सकता है अगर आप इनके एनी टाइम कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर। उसके बाद अभी समझ लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इनका एक फॉर्म है, इसका लिंक और इसका डिटेल भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा ये कहाँ से आपको डाउनलोड होगा। तो आपको वो फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन भरना है, और अपने फोटोग्राफ और जितने भी रिलेवेंट एनक्लोजर मतलब रिलेवेंट आपके सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन का, वर्क एक्सपीरियंस का, कास्ट एंड ऑल दैट, सेल्फ अटेस्टेड, यानी सेल्फ अटेस्टेड लिखते हुए साइन करते हुए हर एक डॉक्यूमेंट पर, वो आपको इस ईमेल आईडी पे 29 जून से पहले पहले भेजना, 29 जून को भेजना है 5 बजे से पहले। अब देख लेते हैं इनका फॉर्म क्या है। इसी एप्लीकेशन में फॉर्म है इनका, लाइक पहले में आपका एप्लीकेंट डिटेल है, दूसरे में क्वालिफिकेशन डिटेल है, तीसरे में आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है,
आपके कुछ पब्लिकेशंस हैं उसका डिटेल है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, फिर करंट वर्क प्रोफाइल है, और एक शॉर्ट नोट ऑन योर सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। एसओपी टाइप आपको 250 वर्ड का लिखना है, ठीक है, इसमें शामिल कर देना है। और लास्ट में अंडरटेकिंग है, नाम वाम लिखते हुए साइन करके डेट और प्लेस डाल के भेज सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक। 29 का एक दिन लगेगा, आई थिंक बहुत डिटेल में है नहीं, बहुत सारा कुछ भरना नहीं है, तो आप बहुत क्विकली अप्लाई कर दीजिए इसको। और अगर आपको जैसा मैंने बोला कुछ हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लिंक tr.ee/StepAhead India करेंगे तो वहाँ पर सारे चैनल हमारे आ जाएंगे जहाँ से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़ा टाइम कम है लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी हेल्प की ज़रूरत है आप हमें रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टेप अहेड।